Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I welcome all the viewers in the first part of lecture 15, that is about citations and bibliography, which is also known as references. In this video, we will learn how the references can be inserted in MS Word 2007. And before moving towards this video, if you have not subscribed this channel yet, you are requested to subscribe it and click on bell icon so that you can get the alerts and notifications of newly uploaded videos. लास्ट वीडियो में हमने फुटनोट्स के ग्रुप को पढ़ा था जिसमें हमने फुटनोट और एंड नोट के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी के ग्रुप को देखेंगे और ये जानेंगे कि रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी क्या होते हैं और इन्हें एमएस वर्ड 2007 में किस तरह इंसर्ट किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं रिसर्च पेपर की कि रिसर्च पेपर में रेफरेंसेस कैसे हमें नजर आते हैं। हम स्क्रीन में एक रिसर्च पेपर की एग्जांपल देख रहे हैं। अगर आप इस रिसर्च पेपर को देखें, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के पहले पैराग्राफ में आपको ब्रैकेट में वन, इसी तरह ब्रैकेट में टू, इसी तरह अगर आप मजीद टेक्स्ट को देखते जाएं, ब्रैकेट में सिक्स, ब्रैकेट में थर्टीन, फाइव, सिक्स, इसी तरह आपको कुछ नंबर्स आ रहे होंगे। ये दरअसल रेफरेंसेस होते हैं और ये शो कर रहे होते हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा गया है ये कहाँ से लिया गया है, इसका रेफरेंस कहाँ से उठाया गया है। अगर हम मजीद इस रिसर्च पेपर के एंड में देखें तो हमें रेफरेंसेस का सेक्शन नजर आएगा। ये आप स्क्रीन में रेफरेंसेस का सेक्शन देख रहे हैं जिसमें वो तमाम नंबर्स जो ऊपर गुजर चुके हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, इस तमाम रेफरेंसेस यहाँ ऐड किए गए हैं जो कि शो कर रहे हैं कि वो तमाम बातें जो ऊपर लिखी गई हैं, वो तमाम टेक्स्ट जहाँ से उठाया गया है उनकी सोर्स ये है, उनका रेफरेंस ये है। हम इस तरह के रेफरेंसेस एमएस वर्ड 2007 में भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं एमएस वर्ड 2007 एप्लीकेशन की तरफ। रेफरेंस इंसर्ट करने से पहले मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूं और इसके लिए मैं अपनी वीडियो को पॉज करता हूं। अभी सिंपल मैंने एक कंप्यूटर के बारे में एक पैराग्राफ लिखा है, अभी मैं इसका रेफरेंस ऐड करना चाहता हूँ और मैं ये रीडर को बताना चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है ये बात मैंने किस बुक से या किस रिसर्च पेपर से ली है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा रेफरेंस टैब में, रेफरेंसेस टैब में इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करूंगा और ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करूंगा। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करने के बाद हमारी स्क्रीन के सामने क्रिएट सोर्स के नाम का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपने जो रेफरेंस ऐड करना है वो किसका ऐड करना है, क्या आपने जो बात लिखी है, जो पैराग्राफ लिखा है वो आपने किसी बुक से उठाई है तो आप यहाँ से बुक सेलेक्ट कर लें, किसी के बुक के खास सेक्शन से उठाइए तो बुक सेक्शन चूज करें, किसी रिसर्च पेपर या आर्टिकल से उठाइए तो आप इसे सेलेक्ट करें। यहाँ बोलने का मकसद ये है कि आपने जहाँ से टेक्स्ट कोई उठाया है, जहाँ से रेफरेंस के तौर पर आप उसे यूज कर रहे हैं, आपने वो ऑप्शन यहाँ से चूज करना है। चूंकि मैंने ये टेक्स्ट किसी बुक से उठाया है तो मैं यहाँ से बुक को सेलेक्ट करूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो मुझसे पूछा जा रहा है वो ऑथर है कि इस बुक का ऑथर का नेम क्या है, तो मैंने जिस बुक से टेक्स्ट उठाया है उसकी मैंने इंफॉर्मेशन अपने पास सेव कर रखी है जो कि आपको ये नजर आ रही है। तो मैं यहाँ से ऑथर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि ITL एजुकेशन सॉल्यूशन लिमिटेड। इसी तरह इस बुक का टाइटल क्या है वो भी मैंने रखा है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। ईयर क्या है, 2011। सिटी या कंट्री क्या है, यहाँ इंडिया लिखा है तो मैं इसे इंडिया कर लेता हूँ। इसी तरह पब्लिशर की इंफॉर्मेशन भी है, पियर्सन एजुकेशन इंडिया। तो ये तमाम डिटेल्स जो बुक के हवाले से पूछी गई थी वो मैं इंटर कर चुका हूँ। अभी सिंपली मैंने यहाँ ओके पे प्रेस करना है। ओके पे प्रेस करने के बाद साइटेशन इंसर्ट हो चुकी है। अब भी हमने सिंपली यहाँ रेफरेंस ऐड करना है तो उसके लिए आप इंसर्ट साइटेशन में आ जाएं। जैसे ही आप इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन के सामने जो आपने रेफरेंस ऐड किया होगा वो आपको यहाँ नजर आएगा। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वन ऐड हो चुका है लेकिन नीचे रेफरेंस अभी तक ऐड नहीं हुआ। तो बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस के सेक्शन को इंसर्ट करने के लिए आपने सिंपली बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करना है और यहाँ से बिल्ट इन में हमें दो नजर आ रहे होंगे ऑप्शंस, इनमें से जो आपको पसंद हो आप वो चूज कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ये चूज करता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि बिब्लियोग्राफी का सेक्शन इंसर्ट हो चुका है और ये जो वन मैंने रेफरेंस यहाँ किया था उसकी डिटेल भी नीचे
शो हो रही है. तो इस तरीके से हम रेफरेंसेस, चाहे वो बुक का हो, रिसर्च आर्टिकल्स का हो या रिपोर्ट का हो, हम इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं. अगर आपने बिब्लियोग्राफी के स्टाइल्स को चेंज करना है तो आप यहाँ से आ जाएं. इस टाइम जो हम स्टाइल यूज कर रहे हैं वो IEEE 2006 है. अगर आप ये वाला स्टाइल यूज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से जो आपको रिक्वायर्ड हो वो आप चूज कर लें और उसे क्लिक करें. क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस का स्टाइल चेंज हो चुका है. तो ये था हमारे पास साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का ग्रुप, जिसमें हमने साइटेशन इंसर्ट करना और बिब्लियोग्राफी के सेक्शन को ऐड करना सीखा. नेक्स्ट ग्रुप कैप्शंस का है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं और हमने देखा था कि हम फिगर्स या टेबल की कैप्शन कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. इसी तरह बाकी जो टैब्स हैं, जिसमें मेलिंग्स है, रिव्यू है और व्यू है, इनमें कुछ चीजें जो है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा और MS Word 2007 को रैप अप करने की कोशिश करूंगा. और उम्मीद करता हूं कि आप जब भी असाइनमेंट्स या रिपोर्ट्स क्रिएट कर रहे होंगे तो आप उसमें रेफरेंसेस ऐड कर पाएंगे. जो बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है MS 2007 के हवाले से अभी नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होऊंगा. तब तक अल्लाह हाफिज़.